भाई, चीन में आर्थिक तबाही, अब कंगाल पाकिस्तान की शामत आई, सीपीईसी विस्तार पर चीन ने मोड़ी कलाई, पाकिस्तान के हालात सुधरने की खत्म हुई गुंजाइश। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। चीन माने या न माने, लेकिन चीन की आर्थिक तबाही का असर अब दिखने लगा है। चीन की हालत कितनी खराब है, ये इस बात से ही आसानी से समझा जा सकता है कि उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सीपैक के आगे विस्तार से चीन ने मना कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत और खराब होना तय है। तो क्या मान लें कि आयरन ब्रदर ड्रैगन ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है? किसी जमाने में जो फ्रेज काफी प्रचलित था वो था हिंदी चीनी भाई भाई, जो अब पिछले कुछ साल से बदल कर पाकिस्तानी चीनी भाई भाई में परिवर्तित हो गया। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का आयरन ब्रदर बताते हैं। चीन पाकिस्तान पर प्यार लुटाता है तो पाकिस्तान भी इस बात से सुकून में रहता है कि कम से कम चीन तो है जो उसके लिए हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन ये क्या, अब तो पाकिस्तान का ये सुकून भी जैसे उससे छिन गया है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो सपना देखा था उसे ही अपने हाथों से तोड़ दिया है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का काम रोक दिया है। जी, जिस गलियारे का उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग से जोड़ना था, अब उस उद्देश्य पर पानी फिर गया है। चीन का सपना था इस गलियारे के जरिए खाड़ी देशों से आयात किए जाने वाले सामान को आसानी से अपने देश तक लाने का, लेकिन अब चीन की ऐसी आर्थिक हालत ही नहीं रही कि वो इस दिशा में आगे काम कर सके। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से सीपीईसी के और ज्यादा विस्तार पर चीन ने रोक लगा दी है। कहां चीन इस गलियारे को लेकर किसी की नहीं सुनता था, भारत के लाख विरोध के बाद भी चीन ने इसका काम जारी रखा था, लेकिन अब चीन की आर्थिक हालत ऐसी रही ही नहीं कि चीन अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के बारे में सोचे भी, तभी तो रोक दिया गया है काम। और वहां पाकिस्तान भी घुटनों पर है, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि चीन के इस झटके के बाद क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान को तो डबल झटका लगा है ना। सीपीईसी के अलावा चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने और भी जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। चीन ने ऊर्जा जल प्रबंधन पर विस्तार से भी इनकार कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान से अब चीन की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और चीन अब पाकिस्तान में अपना और पैसा लगाकर बर्बाद करने के मूड में जरा भी नहीं है। पाकिस्तान में पैसा लगाकर और बर्बाद नहीं होना चाहता चीन। बीजिंग ने पाकिस्तान के साथ जो अंतिम मसौदा साझा किया और दोनों पक्षों ने बैठक के जिस अंतिम बिंदुवार विवरण पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें अंतर है। इसमें कहा गया है सीपीईसी के तहत ऊर्जा जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर चीन ने असहमति व्यक्त की। इससे पता चल रहा है कि दोनों पक्षों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में अब परेशानी हो रही है। मतलब ये कि चीन भी अब कंगाल हो चुके पाकिस्तान में ज्यादा पैसा लगाने के मूड में नहीं है। उसको भी एहसास हो गया है कि पाकिस्तान उबरने वाला नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि भारत को तंग करने का एक जो तरीका था जिसमें पाकिस्तान और चीन के भी बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ था, चीन अब उस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला ले चुका है। साथ ही पाकिस्तान में अब और ज्यादा पैसा निवेश करने से भी पीछे हट गया है। ऐसे में पाकिस्तान में हालात निश्चित तौर पर और ज्यादा खराब हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान कब और कैसे उभरेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि गलती तो सरासर इसके पीछे पाकिस्तान की ही है, क्योंकि सीपीईसी में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान चीन के निशाने पर भी रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली की तरफ है, उसके बाद चीन के उठाए गए ये कदम, पाकिस्तान के खिलाफ जो चीन ने कदम उठाए हैं, पाकिस्तान में और ज्यादा पैसा लगाने से चीन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि चीन का जो ये कदम है चीन ने उठाया है, उसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।